बड़े दादा, हमने आपसे मारवाड़ में भी पूछा था, बीच मार्ग में भी पूछा कि हमारे ना कहने पे भी आखिर में बिजोलिया क्यों लाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको पता चल जाएगा। चलते हैं राम मामा जी। और हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसका प्रभाव बिजोलिया और मेवाड़ की मित्रता पर नहीं पड़ेगा। हुकुम, मारवाड़ नरेश मालदेव जी अपनी फूल कंवर बायसा के संग पधार रहे हैं। क्या जाइए आप। राजा मालदेव, क्या बात हो सकती है? बात चाहे कुछ भी हो राव मामरख जी, राजनीति के अपने कुछ शिष्टाचार होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ उनका स्वागत कीजिए। चाहिए किंतु राजा मालदेव ने कोई संदेशा भिजवाया नहीं था, वो कैसे तैयारियां कर सकते? क्या फूल भी साथ में आई है? हाँ, क्या आवश्यकता थी राजा मालदेव जी को फूल को साथ लाने की? फूल कंवर ने अजबदे को स्पष्ट लिख दिया था पत्र में कि वे कुंवर प्रताप से विवाह कर सकती हैं। अब क्या करेंगे? मतलब हमारी सारी योजना पानी में मिल गई। आपने सुना चीजा, राजा मालदेव यहाँ पर आ गए फूल के साथ। हमें बहुत डर लग रहा है। आपको पता है वो कोई भी बात नहीं भूलते। वो हमें देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि वो हमसे विवाह करना चाहते थे और हमने ऐसा होने नहीं दिया। हमें बहुत डर लग रहा है जीजा, हमारे हाथ पांव फूल रहे डर के बारे। क्यों डर रही है? मेवाड़ की रानी है और हम हैं ना आपके साथ। चिंता तो हमें ये हो रही है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद राजा मालदेव जी का यहाँ आना, वो भी फूल के साथ। फूल यहाँ पर क्यों? बाजीराज, हमें लगता है किसी ना किसी की सगाई किसी ना किसी से होकर रहेगी बिजोलिया में। अब चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जा रहे हैं चित्तौड़। बाजीराज, ऐसे ही शिष्टाचार कहते हैं कि मित्र को कम से कम एक दूजे को अभिवादन तो। अर्थात फूल कंवर मित्र नहीं है आपकी? खम्मा गणी राजा मालदेव जी। गणी खम्मा, यदि आप हमें सूचना देते कि आप आ रहे हैं तो हम अपने यहाँ से कुछ लोगों को सीमा तक भेजते आपका भव्य स्वागत करने। इन सीमाओं ने तो समस्या खड़ी कर रखी है, हमें इन सीमाओं को तोड़ देना चाहिए। जो हमें बांटे, जो हमें अलग करे। क्यों राणा उदय सिंह जी, हमने कुछ गलत कहा? राजा मालदेव जी, सीमाएं तो हम स्वयं ही खड़ी करते हैं। जानते हैं राणा उदय सिंह जी, अभी भी आपके मन में हमारे लिए थोड़ी सी कड़वाहट बाकी है। सच तो यह है राणा उदय सिंह जी कि कुंवर ने हमें अजमेर जीत कर दिया। उसी दिन से हमारे मन में यह आ गया था कि दीवार हमें तोड़नी है। वैसे एक बात कहें राजा मालदेव जी, आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। खमागन, सुखी रहिए। अच्छा हुआ जो आप इनको भी साथ ले आए। अब चाहे विषय हो ना हो, इनकी बातें हमें अवश्य सुनने को मिलेंगी। आइए राजा मालदेव जी। इससे पहले कि फूल कोई मूर्खता करे, हमें उसे अपने भरोसे में लेना होगा। मालदेव जी का यहाँ आने का निश्चित रूप से कोई उद्देश्य है, वो भी फूल कंवर के साथ। चाहती क्या है फूल कंवर? जीजा, हमें तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही है कि मालदेव जी अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं।
अपनी इच्छा से नहीं आए हैं वे अचानक यहाँ, उन्हें सूचना देकर बुलवाया गया है। मालदेव जी आइए। प्रणाम। यह हमारा सौभाग्य है कि आपसे यहीं भेंट हो, हमें आपसे बात करनी है और हमें आपके पति राणा उदय सिंह की शिकायत भी करनी है। आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। छोड़ दीजिए, भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध। कुछ कह रहे थे आप हमसे? जी, राणा उदय सिंह जी कह रहे थे कि आप कहीं बाहर निकल रही हैं और हम यहां आपसे मिलने आए हैं। हमसे? हम कुछ समझे नहीं। जब आप हमें स्पष्ट बात कहने के लिए विवश कर रही हैं, तो हम आपको साफ बता दें कि हम यहां फूल के सुख और खुशी के लिए आए। महारानी सा, मैं मारवाड़ नरेश राजा मालदेव सिंह एक बार फिर आपके द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन इस बार रीते हाथे नहीं जाऊंगा। प्रताप यहीं पर है और फूल को हम अपने साथ लेकर आए। आपसे अनुरोध है कि इस शुभ कार्य में आप विलंब न करें। जयवंता जी, बहुत बड़ी बात कह दी है आज राजा मालदेव जी ने, अन्यथा हम और आप क्या। सारा राजपूताना जानता है कि आज तक इन्होंने अपनी झोली किसी के सामने नहीं फैलाई और फैलाएंगे भी क्यों। आखिर हमारी भूल में कमी क्या है? स्वयंवर होगा तो राजपुताने के सारे राजपुत्र खड़े रहेंगे पंक्ति बंद। वो तो प्रताप का भाग्य अच्छा है जो अच्छी बात है जो मालदेव जी किसी के आगे झोली नहीं फैलाते। कन्या के पिता को किसी के आगे झोली फैलाने भी नहीं चाहिए। व्यर्थ ही सामने वाले को लगता है कि इनको अधिक आवश्यकता है, ये अच्छी बात नहीं है। रश्मि का बछड़ा कितना बड़ा हो गया। हम अभी अभी मिलके आ रहे हैं उन दोनों से, हम तो पहचान ही नहीं पाए। बड़े प्रेम से चारा खा रहे हैं। रानी सा, खम्मा घनी रानी सा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमारा सुझाव यही है कि हम सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाएं और विश्राम करें, उसके पश्चात फिर से एकत्रित हो जाएंगे बातचीत करने के लिए। चलें। आइए फूल। फूल हमारे साथ विश्राम करेंगे। नहीं नहीं, फूल को हम अपने साथ ले जाते। वैसे भी आपको तो पता भी नहीं होगा कि अतिथि कक्ष कहाँ है। हम ढूंढ लेंगे। रानी सा, क्षमा करें पर हंसा भाई जी सही कह रही हैं। आप क्यों इतने छोटे से काम के लिए कष्ट कर रही हैं? ये काम हंसा भाई जी कर लेंगी। आइए।
मालदेव जी आइए। बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं हम आपको फूल। इतने दिन हम सबको याद किया भी या नहीं? हम आप सबको याद ना करें ऐसा भी हो सकता है? हमें तो सदा याद आती थी आप सबकी। अच्छा तो बताइए किसी विशेष रूप से आपने याद किया? उसे जिससे हम सबसे अधिक खो रहे हैं। ये सामान किसका जा रहा है? राणा जी, जयवंता भाई जी, वीर भाई जी, धीर भाई जी और कुंवर प्रताप का। आज सब यहाँ से जा रहे हैं। किंतु हमें लगा था कि हमारे आने के बाद आप सबके विचार बदल जाएंगे। कुंवर प्रताप का विचार नहीं बदला, इसलिए। कुंवर प्रताप भी जा रहे हैं? किंतु क्यों? हमें लगता है इन दोनों यहाँ जो कुछ भी हुआ वो फूल को बता देना चाहिए। फूल, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन दिनों यहाँ बहुत कुछ हुआ। हम मामरख जी के पास अजबदे का हाथ मांगने बिजोलिया जाएंगे। और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। तोरणमल आज भाग गए। राव मामरख जी और हंसा से उनकी बेटी अजबदे का दान मांगते हैं। हम इस विवाह से सहमत नहीं। बस, बस! हम स्वयं नहीं करेंगे आपसे विवाह। आप से हंसा मासी, हम अजबदे से मिलना चाहते हैं। किंतु अजबदे ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और वे कह रहे हैं कि वे तभी बाहर आएंगे जब कुंवर प्रताप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से चले जाएंगे। मासी जी, अजबदे हमें ना कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, आइए हमारे साथ। जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। कुंवर प्रताप, आप अपने पुत्र खान को विश्राम ना होने दीजिए। चलो छुपा सी आप बच्चे इतना छाने लगे। मासी जी, आप अजबदे के कक्ष में चलिए, हम बस अभी पहुंचते हैं। ठीक है। जा रहे हैं और वो भी बिना हमसे मिले। वो क्षमा कीजिए, जा तो रहे
रही बात बिना आपको बताए जाने की, सच यही है कि यहाँ रुकने की इच्छा ही नहीं रही है। हम समझ सकते हैं आपके मन की स्थिति, किंतु चित्तौड़ जाके भी क्या करेंगे आप? दंगल स्थल पर तलवार और प्यास में तब तक पसीना बहेंगे जब तक आपका क्रोध शांत ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, भला हमें क्यों क्रोध आएगा? क्यों करें हम क्रोध? किस पर करें क्रोध? अजब देखी हट पे। ये सब इन्हें कैसे पता चला? आप चुप क्यों हो गए? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने अजब देखा विवाह नहीं होने दिया। देखिए फूल, हमने कुछ नहीं किया था। आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपका तो नाम ही पर्याप्त है। किंतु हाँ, आप अजबदे के हाथ के सामने हार गए, और अजबदे ने भी कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे आपने हार मानी, वरना आप तो कभी हार मानते नहीं। कोई पता? देखिए फूल, अब हमें चलना चाहिए, हमें विलंब हो रहा है। और अच्छा यही होगा कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। हम तो केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि अब तक आपने सिर्फ अजब देखी हट देखी, अब हम आपको अपनी हट दिखाएंगे। और जब तक हम जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ नहीं हो जाता, तब तक हम मारवार वापस नहीं जाएंगे। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं फूल, पर फिर भी आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। खमागणी बाबूजी राज, आपका अश्व किसी के हाथ से कुछ नहीं खा रहा है। हम स्वयं चलकर खिलाते हैं उसे। आप चलिए। चलते हैं। अब हम आपको दिखा देंगे कोर्ट में कि हम क्या चाहते हैं। अजबदे, अजबदे द्वार खोली। लगता है आपको बार बार कक्ष में बंद होकर हट जताने की आदत हो गई। माँ चले गए वैसा, आप जानती है ना हम तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक वैसा यहाँ से चले नहीं जाते। वे सब चले गए अजबदे। किंतु देखिए तो आपसे मिलने के लिए कौन आया है? कोई भी आया हो, वहां भी किसी से नहीं मिलना। अच्छा ते फूल आई है आपसे मिलने के लिए, द्वार खोलिए। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ चल गया, जब ने चल गया आपने हमारे साथ। माँ हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं हो, हम जानते हैं आप हमें बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। या आप कुछ कहे और हमें ना कहना पड़े। आप जाइए, हम तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक चित्तौड़ के सारे लोग चले नहीं जाते। फिर तो आप हमसे भी नहीं मिल पाएंगे जब तक। क्योंकि यदि ये लोग वापस चित्तौड़ चले गए तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो असंभव, ये हो ही नहीं सकता। की होली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें। जब दे चल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। जब दे माँ, यदि आपने किसी भैरूपी को बुलाया जो फूल का स्वर निकाल सके तो आप हमेशा धोखा कर रही हैं।
धोखा तो आप अपने आप को दे रही हैं अजबदे। आपको क्या लगता है कुंवर साहब के विवाह के लिए संसार के सभी लोग आकाश पताल एक करके आपको बस मनाने में लगे रहेंगे? यदि आप ऐसा सोचती हैं तो आपका ये सोचना गलत है अजब। हम आ चुके हैं ना, अब कोई और नहीं मनाने वाला है आपको। को भीतर से बंद कर लीजिए। जयवंता जीजा और हंसा जी फूल कंवर को अजबदे से मिलने उनके कक्ष में ले गई है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हर बार भगवान हमें हरा देते हैं। तो आपको भी कम से कम राजा मालदेव को पत्र लिखने से पहले हमें बता देना चाहिए था। हम पत्र में लिखवा देते कि फूल को अपने साथ बिल्कुल भी ना लाए। अब आप भी हमें दोष दे रही हैं। हमने ऐसा नहीं कहा आपसे धीर। आपको क्या लगता है हम मूर्ख हैं? हम ऐसा कह नहीं रहे आपसे धीर, आप समझ नहीं रही हैं। हे भगवान, ये हमने क्या कर डाला? क्या कर डाला आपने? वो पत्र? नहीं भगवान, वो पत्र हमने अजबदे के कक्ष में फूलदान के पीछे छुपा दिया। भगवान, उसी कक्ष में जिस कक्ष में अजबदे और फूल है इस समय। ये आभूषण देखिए, बिल्कुल आपके लिए है ना, कितने सुंदर लगेंगे आप पे। ये सब आप ही के सर का, आप ही की रुचि अनुसार का है और ये सब आप ही के उपयुक्त है। ये देखिए ये झुमके कितने सुंदर लगेंगे ना आप पे। जब ये लहंगा पहन के आप कुंवर प्रताप के साथ बैठेंगे तो देखिएगा सारा राजपुताना बोल उठेगा, वाह कैसी राम सीता जैसी जोड़ी है ना। कुछ समय के लिए राजपुताने के साधारण लोगों के बारे में भूल जाइए कि वे क्या बोलेंगे, वे क्या सोचेंगे। अपनी बताइए कि हमें कुंवर प्रताप के साथ बैठा थी आपको कैसा लगेगा, आप क्या सोचेंगे? अजब थे हम तो प्रसन्नता के मारे पागल हो जाएंगे। हम इतने प्रसन्न होंगे कि हम आपको बता नहीं सकते। आपको पता है क्या, हमने तो विशेष भील नृत्य भी तैयार कर लिया है जो हम आपके विवाह में करेंगे, आपके और कुंवर प्रताप के सामने। कैसा भव्य वातावरण होगा, पूरा चित्तौड़ का महल नव विवाहित बहू सब सजा धजा होगा, दमक रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, आपके स्वागत में सहस्त्रों दीपों के प्रकाश में नहा रहा होगा और हम राजकीय पाकशाला में तरह तरह के व्यंजन बना रहे होंगे। कितना आनंद आएगा ना, सारा जनमानस कुंवर प्रताप के जीवन के इस नए अध्याय के आरंभ की प्रसन्नता से झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे। कितना आनंद आएगा ना फूल। राणा उदय सिंह जी, अभी अभी हमारी महारानी सा ने हमें बताया कि आपने इस लड़की, क्या नाम है उसका, अजब, हाँ अजब दे, उसके समक्ष आपने कुंवर प्रताप के विवाह का प्रस्ताव रखा और उस सामंत पुत्री ने उस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम इस विवाह से सहमत नहीं है राणा उदय जी, बहुत दुख हुआ ये सुनकर, हम समझ सकते हैं कि आपने इस क्रोध पर किस तरह से संयम रखा होगा। एक राजा ही दूसरे राजा के मान सम्मान और अपमान को समझ सकता है। छोड़िए इन बातों को, इस दुख के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं।
और हम दोनों मिलकर एक नया अध्याय लिख डालें, मैत्री का, प्रेम का अध्याय, सुख का अध्याय। इसी समय फूल और कुंवर की सगाई कराई गई। हाँ, इसी समय आपको कोई अधिकार नहीं ऐसी कल्पनाओं को बुन बुन कर प्रसन्न होने का। जब दे नहीं होने देंगे हम आपको इतना प्रसन्न, नष्ट कर देंगे आपकी सारी स्वार्थी योजनाओं को। हम स्वार्थी योजना? हाँ, स्वार्थी योजना। बहुत गहरी इच्छा है ना आपकी महान बनने की, तो बनिए महान, किंतु अपने बल पे, हमारे कंधों पे चढ़कर नहीं। अजब दे किंतु फूल, आप सच में ही कोई प्रताप को पसंद कर दिया ना? हाँ हाँ, लगते हैं हमें अच्छे, सच है ही। पहली बार वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। पहली बार उन्हें देख के हम ये भूल गए थे कि हम राजा मालदेव की पोती हैं, मारवाड़ की राजकुमारी हैं। नहीं रोक पाए अपनी भावनाओं को, नहीं समझ पाए कुछ भी। तो कैसे ये सच बदल सकता है? कुंवर प्रताप हमें आपको पसंद करते, किसी और को नहीं। ये सब कुछ जानते हुए क्यों ढकेल रही हैं आप हमें वहाँ? क्यों कर रही हैं ऐसा जब दे? क्यों कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जब दे, ऐसा ही है। हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सा अपराध, ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे जो कुंवर प्रताप के लिए हमारे मुंह से तो अच्छी बातें निकल गई? ये तो है ही ऐसे, किसी को भी अच्छे लग सकते हैं, किंतु आप कोई साधारण लड़की नहीं है जब, आप वो हैं जो कुंवर प्रताप को अच्छी लगी। पर आपने आपने क्या किया? उनकी भावनाओं का अहित किया, एक बार ही बार बार किया, उनके परिवार का अपमान किया आपने। खुद बड़ा बनने के लिए हमें छोटा बना दिया आपने। जब बहुत बुरी है, बहुत बुरी। आप ना एक अच्छी लड़की है और ना एक अच्छी मिस, आप तो योग्य ही नहीं थी कुंवर प्रताप के। पता तो चले इस सावंत को, जिस राजा के कुंवर का प्रस्ताव उसकी पुत्री ने ठुकराया है, उसके लिए राजपुताना का सबसे शक्तिशाली राजा अपनी पुत्री के लिए दौड़ा दौड़ा यहां चला आया। हमारी बात मानिए, चित्तौर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दीजिए और ईंट का उत्तर पत्थर से दे डालिए। आप केवल हां कीजिए, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रणव दे जी बोलिए। को देखकर तो मैं और अधिक क्रोध आता। कितना स्पष्ट लिख दिया था सब कुछ। क्षमा मांगी थी आपसे, भीख मांगी थी हमने, किंतु आपने क्या किया? कुंवर प्रताप का अपमान किया, उनके पूरे परिवार का अपमान किया आपने। एक क्षण रुकिए, क्या कहा आपने, क्या लिखा था आपने? से
हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों। सच अजब्दे, फूल का पत्र है क्या? हम ये पत्र देख सकते हैं? हमारी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई है, ना ही कोई पत्र। इसमें लिखा है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप को आपके पास अपनी अमानत रख रही है। उन्होंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभ्यक्त किया है। अब इससे अधिक स्पष्ट और क्या लिखते हैं जब? और क्या आश्वासन देते हम आपको जिससे आप कुंवर प्रताप से सगाई के लिए मान जाती? कुंवर प्रताप आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, किंतु आपके मन में उनकी भावनाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे बारे में सोचती हैं, मारवाड़ के बारे में सोचती हैं, मेवाड़ के बारे में सोचती हैं, क्योंकि आप महान बनना चाहती हैं। ये क्या बात हुई अजब्दे? ऐसे स्वार्थ के साथ मित्रता नहीं रख सकते हम। आज आज दो दो शोक मने, एक जीवन से कुंवर प्रताप के जाने का और दूसरा हमारे जाने का। रोती रही कब जीवन इसी योग्य है आप। बस अब क्षमा मांग लेना, क्षमा कर दीजिए, अब एक अवसर दे दीजिए, एक। क्यों परेशान दिख रही हैं जीजा? अजब्दे आपकी परछाई है, निर्णय ले लिया है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करेंगी तो अडिग रहेंगी उस पर। वैसे ही जैसे हमारी फूल इस बात पर अडिग है कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ प्रताप के साथ, लेकिन हमें नहीं लगता वो अपने बड़े दादा के खिलाफ जाएंगे। यदि आप दोनों ही अपनी अपनी बातों पर इतने निश्चित हैं तो फिर हमसे यहाँ बात क्यों कर रही हैं? आप दोनों को तो प्रताप और फूल के विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। फूल क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक ही होगा। फूल कवर और अजब्दे पक्की सखियां हैं, सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगे। यदि कोई मतभेद है तो सुलझा दिया होगा दोनों ने, पर हम जानते हैं कि अजब्दे फूल कवर के विरुद्ध नहीं जाएंगे, है ना? अजब्दे कैसी? जब से उन्होंने आपको भीतर आने की अनुमति दी तब से हमें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अन्यथा हम तो जब भी उनसे बात करने के लिए जाते एक दीवार की भांति खड़ी हो जाती। मासी जी, हम हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बाजीराज, एक बात तो निश्चित है, जो भी आपको अपना मान लेता है उसका आपके बिना किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। अब देखिए, आपका अश्वर केवल आप ही के हाथों से भोजन खाता है। बाजीराज, हमें विस्मय तो इस बात का हो रहा है कि अजब्दे को खम्मा गए। कुंवर प्रताप, लगता है आप सब जा रहे हैं यहाँ से? जी। इसका अर्थ हुआ कि अब हम आपसे चित्तौड़ में ही मिलेंगे? पता नहीं बाजीराज, ये आप कैसे बात कर रहे फूल कवर से? कोई बात नहीं चक्रपाणी, हम अपने मित्रों की बातों का बुरा नहीं मानते। अच्छा, तो हमें भी इनकी सभी कड़वी बातों को भूल जाना चाहिए जो ये इतनी देर से। चक्रपाणी, आप अपनी बातें बंद करके भीतर जाकर ये पता लगाएंगे कि वे लोग अब तक क्यों नहीं आए। हमें इसी समय निकलना है चित्तौड़ के लिए।
जाओ आप। नहीं, हम नहीं बता सकते बाबूजीराज। चक्रपाणी, आप जानते हैं ना हमें। बाबूजीराज, आपके परिजन नहीं जा रहे चित्तौड़। अच्छा, चलो ठीक है, हम जानते हैं अपने घर का मामला। कुंवर प्रताप अपने घर वालों के कहने पे नहीं, कम से कम हमारे कहने पे रुक जाइए। आप मत जाइए चित्तौड़, मतलब हमारी बात सुनिए, रुक जाइए कुंवर प्रताप। अजीराज, क्या आप कृपया इन दोनों से कहेंगे कि वे हमारा मार्ग छोड़ दें? हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, किंतु हमारा मार्ग रोका जाना हम विनम्रता से नहीं सहते। चक्रपाणि, आपने तो स्वयं देखी ना कई युद्धों में ये बात, इन्हें भी बता दीजिए। सुनिए, हमारे विचार से ये स्थिति किसी भी युद्ध भूमि से अधिक संवेदनशील है। अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। क्या सौभाग्यवती, बाबूजीराज चाहते हैं कि हम यही रहें। चक्रपाणि, हमें लगता है कि आपकी पत्नी आपको बिल्कुल सही सलाह दे रही है, और अच्छा यही होगा कि आप इनकी बात मान लें। बाबूजीराज, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु विवाह के बाद हमने जो बात सीखी है वो यही है कि पति की भला इसी में है कि वो चुपचाप बिना अधिक तर्क वितर्क किए पत्नी की बात मान ले। सौभाग्यवती, चलिए। ठीक है, हमें भी अपना मार्ग प्राप्त करने के लिए किसी चक्रपाणि की सहायता नहीं चाहिए। ये आपके सखी को हो क्या गया है? ये चाहती क्या है? फूल, ये आपके सखी को हो क्या गया है? ये चाहती क्या है? हमें क्षमा कर दीजिए फूल, हमें सचमुच खेद है स्वयं में। मैं तो हमें मांगनी चाहिए, अपने स्वार्थी होने के लिए आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए बने। हमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था, जब से सब कुछ जानते हुए भी हम पीछे नहीं हट पाए। ये तो आपके होने से पता लगा कितने निम्न स्तर के मित्र हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपनी मित्रता की बलि देते हुए थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ हमें। कुंवर प्रताप ने स्वयं आपका हाथ मांगा, किंतु हमारी मित्रता के संबंध से साहस लेकर आपको इस प्रस्ताव को ठुकराने का भी साहस मिल गया। जब तक हम ऐसा कभी नहीं कर पाते, हम में है ही नहीं इतना साहस। यदि किसी में असली साहस है तो वो आप में है जब तक, और इसीलिए कुंवर प्रताप के लिए हमने आप अधिक योग्य हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपने बचपन से हमें साहस दिया, उस समय जब हम सबसे अकेले थे। वो सब बीते समय की बातें थी, हम थे अब भविष्य की बात करने आए। जब चाहिए
घर जाके रोक लीजिए कुंवर प्रताप को और उनसे क्षमा मांग लीजिए और वो भी भेज दीजिए, चाहिए मांग लीजिए उनसे क्षमा। क्या? हाँ जब रोक लीजिए कुंवर प्रताप, अब यही एक अवसर तो मिला हमें महान बनने का, अब कम से कम ये तो हमसे मत छीनिए। चाहिए जब रोक लीजिए कुंवर प्रताप को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप अपना आशा दौड़ाते नहीं, उड़ाते हैं। फूल, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसे कि हमारे अश्व की लगाम पकड़ कर क्या चाहते हैं और आप है कि मुस्कुरा रही हैं। आप ही ने कहा था ना कुंवर प्रताप, आप हमारी चक्की को भली भांति जानते हैं, एक बार उन्होंने लगाम पकड़ ली अब नहीं छोड़ेंगी। जानते हैं इसलिए आपसे सहायता मांग रहे, क्योंकि हमारी कही बात तो सुनती ही नहीं है कभी। अभी आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है, हम तो भीतर जा रहे हैं सबको शुभ समाचार सुना कि अजब ने विवाह के लिए मान गई है। क्या? हाँ ये फिर कोई षड्यंत्र हो रहा है, हमें जाने दीजिए। कुंवर प्रताप, आज तक आपने हम राजपूत लड़कियों की हद की कहानियां सुनी होंगी, अब देख भी लीजिए आज हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। आप कुंवर प्रताप को धमकी दे रही हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। अभी अभी जो फूल बोल कर गई है वो सच है? क्या बोल के गई मैं? अरे अभी अभी आपने नहीं सुना था? हमने सुना तो था कि तो आप भूल गए। अजबदे, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लीजिए, फूल बोल कर गई है कि आप हमसे विवाह करना चाहती हैं। ये तो इस पर निर्भर करता है कि आप हमसे विवाह करना चाहते हैं। हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं।